मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ वर्कशीट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर ए के थ्री सम्स हो रहे जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ए फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है। हम आज फिर से सीखते हैं। सिक्स फाइव जा 3, इसको आपको प्लस करना है। ये सम हमारा यहाँ पे हो गया, अब हम इन्हें प्लस करेंगे। आपको भी इसी तरीके से करना है। हम स्टार्ट हमेशा 1 से करते हैं, 0 का 0, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 4 5, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 5200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 325 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 5200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टू सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। 2 4 8, 2 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 7 14, 14 में 1 प्लस किया तो 15। नेक्स्ट 10 से लिया हमें यहाँ क्रॉस लगाना है। 5 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 5 25, 25 में 2 प्लस किया तो 27, 27 का 7 और कैरी 2, 5 7 35 में 2 प्लस किया तो 37, तो यहाँ हमने लिख दिया 37, और जो कैरी लगाएंगी या हमने जो डिजिट लिखी वो हम रफ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पे इनको प्लस करना है। 8 का 8 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 8 9 और 3 का 3, तो हमारा इसका आंसर क्या आया 39208। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका इज इक्वल टू 39208, ये हमारा इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम उसके आगे वाले सम्स करेंगे। थ्री डिजिट वाले जो प्रोसेस हमारी टू डिजिट में थी सेम टू सेम वो हम थ्री में करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 10 के लिए हम क्रॉस लगाएंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 100 के लिए हम यहाँ 2 क्रॉस लगाएंगे। ओके, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, अब हम इसे प्लस करेंगे। डिजिट का ध्यान रखना, डिजिट हमेशा एक के नीचे एक आना चाहिए, डिजिट इधर से उधर ना चलेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, 5 का 5, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 3 7, 6 4 10 और 1 11 का 1 और कैरी 1, 8 और 1 9, हमारा इसका आंसर क्या आया 91785। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद थर्ड सम्स और हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। इसके थ्री सम्स और थे जो मैंने नीचे कर दिए, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8B. ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर. आपको ये पैटर्न को समझना है, समझने के बाद उसके 3 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे दिया है 5, 10, 15, 20. 20 के बाद 25, 30, 35. इसमें हमारी कितनी स्किप पंक्ति हुई? 5 की स्किप पंक्ति हुई है, जंप हुआ है. नेक्स्ट है हमारा 4, 8, 12, 16. इसमें हमारी 4 की स्किप काउंटिंग हुई है, ठीक है. 16, 20, 24, 28. नेक्स्ट है हमारा 14, 28. यहाँ पे हमारी 14 की स्किप काउंटिंग हुई है. 14, 28, 42, 56, 70, 84, 84 और 98. ओके. नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 10 की स्किप काउंटिंग हुई है. ये मैं बता रही हूँ कि इसमें कितने पे जंप किया है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. नेक्स्ट है हमारा 8, 16. यहाँ पे 8 की स्किप काउंटिंग हुई है. 8, 16, 24, 30, 40, 48, 56. नेक्स्ट है हमारा 15, 30. यहाँ पे 15 की स्पीक काउंटिंग हुई है. स्पीक काउंटिंग 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. यह हमारा क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर बी है. ओके. इसको आपको अपनी कॉपी में लिखने के बाद व्हाट्सएप करना है, अपना नाम और सब्जेक्ट डालना ना भूलें. थैंक यू.